नमस्कार। भारतीय संस्कृति विभिन्न कलाओं से परिपूर्ण है। भारतीय संस्कृति में कला का क्या महत्व है, इसका अंदाजा इस श्लोक से लगाया जा सकता है जिसमें कहा गया है कि साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीनः, यानी कि कला ही इंसान को इंसान बनाती है, वरना कला के बगैर तो इंसान पशु के समान है। तो आइए कला के इस मंदाकिनी, कला के इस दर्पण में, गुड इवनिंग इंडिया में आप सभी का स्वागत है। और साथ ही मैं गुड इवनिंग इंडिया में स्वागत करना चाहूंगी अपने पहले मेहमान का, जो सुविख्यात गजल गायक है, म्यूजिक कंपोजर है, जितेंद्र सिंह जी। आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। जितिन सिंह जी, आपसे बहुत सारी बातें करनी है, आपसे बहुत कुछ सुनना भी है, लेकिन उससे पहले दर्शकों को दिखाते हैं आपके जीवन के कुछ अंश। जी जरूर जी। थैंक यू। जितेंद्र जी, सबसे पहला सवाल तो ये है कि कैसे शुरू हुआ संगीत का यह सफ़र? जी, संगीत का सफ़र मुझे खुद भी याद नहीं, मैं बहुत छोटा था, तो इसका मतलब यही है कि मेरे ब्लड में ही है, क्योंकि मेरे पिताजी को बहुत शौक था संगीत का, बट वो नहीं कर पाए। उस समय की परिस्थितियां ऐसी थी कि वो संगीत प्रोफेशनली नहीं कर पाए, तो उनका मेरे अंदर वो चीज़ आई। तो 5-6 साल की उम्र से ही मुझे याद है मुझे संगीत में शौक था, क्योंकि रेडियो पे गज़लों के जो भी प्रोग्राम्स आते थे बड़े ध्यान से सुनता था। लेकिन तब ये नहीं सोचा था कि मैं प्रोफेशनली इसको करूँगा। अच्छा। क्योंकि इसके जो एवेन्यूज़ हैं वो तो पता नहीं था, अब तो बहुत ज़्यादा हो गया सब कुछ। बट ये था कि कहीं भी रहूँ ये संगीत मेरे साथ हमेशा रहेगा। और मेरी जो पैदाइश है जम्मू की है, मैं एक डोगरा हूँ, और वहीं पे स्कूलिंग और कॉलेज सब वहीं हुआ, तो उसके साथ साथ ये चीज़ चलती रही थोड़ी थोड़ी। और जब कॉलेज मैंने पास आउट किया तो तब मुझे लगा कि मैं इसी के लिए ही बनाऊँ, मैं दूसरी चीज़ कर ही नहीं सकता, क्योंकि मैं राजपूत हूँ तो हमारे ज़्यादातर फ़ौज में ही चले जाते सब। तो हम दो भाई हैं, तो मेरे बड़े ब्रदर आर्मी में हैं, तो मेरे लिए ये हो गया कि इसको घर पर रखिए। तो पढ़ाई में क्या हुआ कि उधर ध्यान कम होने लगा, संगीत में ज़्यादा होने लगा। तो फिर डैडी ने बोला ठीक है, अगर तुम प्रोफेशनली करना चाहते हो। फिर वो मुझे ले गए मेरे गुरुजी, पहले गुरुजी धसक्कर साहब, उनसे विधिवत सीखना मैंने शुरू किया जम्मू में। तो बस वहीं से सिलसिला शुरू हो गया। जी। तो जैसे आपने कहा कि आप जम्मू से हैं, तो आपके ही जड़ों से जुड़ा एक डोगरी से हम शुरुआत कर सकते हैं इस कार्यक्रम की? जी जी जी। मैं एक लोकगीत आपको सुनाता हूँ डोगरी। ज्यादातर डोगरी फोक जो है वो पहाड़ी राग पे ही आधारित होता है। चन माड़ा चढ़े आवो ऊपर रजोरिया, चन माड़ा चढ़े आवो ऊपर रजौरिया, बनी जाया पखरूते मिली जाया चोरिया, बनी जाया पखरूते मिली जाया चोरिया, मिलना जरूर मेरी जानो किया मिलन ओग मेरी जानो। एक्चुअली दो गाना है और ये एक लव सॉन्ग है। तो लड़का लड़की आपस में बोल रहे हैं कि मेरा चंद चांद को कहते हैं, और हर जगह के नाम से जुड़ा हुआ है। रजौरी एक जगह आपने सुना होगा, चंदवाड़ अचड़िया ऊपर रजौरिया, बनी आया पखरू पक्षी बन के मिली आया चोरिया। तब साधन नहीं थे इसके, और ज्यादातर हस्बैंड आर्मी में होते थे। अब वो जवाब देता है जो हस्बैंड है। चन माड़ा चढ़े आवो चढ़िया ऊपर बावे, वहां बड़ा मशहूर बावे माता का मंदिर है, वो कह रहे वहां चढ़ा है। अच्छा। बीच में तवी है। चन माड़ा चढ़े आवो चढ़िया ऊपर बावे, रोआ रे पारे
ਕੀਆਂ ਆਵਾਂ ਤਵੀ ਠਾਠਾ ਮਾਰੇ ਰੁਆਰੇ ਪਾਰੇ ਕੀਆਂ ਆਵਾਂ ਤਵੀ ਠਾਠਾ ਮਾਰੇ ਕੀਆਂ ਮਿਲਨ ਓਗ ਮੇਰੀ ਜਾਨੋ ਮਿਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰੀ ਜਾਨੋ ਫਿਰ ਲੜਕਾ ਕਹਿਤਾ ਹੈ ਚੰਨ ਮਾੜਾ ਚੜੇ ਆਵੋ ਚੜਿਆ ਉੱਪਰ ਟੀਕਰੀ ਟੀਕਰੀ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਚੰਨ ਮਾੜਾ ਚੜੇ ਆਵੋ ਚੜਿਆ ਉੱਪਰ ਟੀਕਰੀ ਕੀਆਂ ਕਰੀਏ ਆਵਾਂ ਗੋਰੀਏ ਰਾਜ ਦੀ ਹੈ ਨੌਕਰੀ ਕੀਆਂ ਕਰੀਏ ਆਵਾਂ ਗੋਰੀਏ ਰਾਜ ਦੀ ਹੈ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰੀ ਜਾਨੋ ਮਿਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰੀ ਜਾਨੋ ਇਹ ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਸੁਣਾਇਆ ਵੈਸੇ ਤੋ ਆਪਨੇ ਦੇਸ਼ ਕੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਮੇਂ ਯਹਾਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਮੇਂ ਆਪਣੇ ਸੰਗੀਤ ਕਾ ਜਾਦੂ ਬਿਖੇਰਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਵੋ ਪਹਿਲੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕੌਨ ਸੀ ਥੀ ਜੋ ਅਬ ਤੱਕ ਆਪਕੋ ਐਸਾ ਲਗਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲੋਂ ਮੇਂ ਤਾਜ਼ਾ ਹੈ ਜੀ ਵੈਸੇ ਤੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਗਾਤੇ ਰਹਿਤੇ ਥੇ ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁਆ ਥਾ ਤਬ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਮੇਂ ਥਾ ਤੋ ਹਮਾਰੇ ਇੰਟਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨਸ ਹੋਤੇ ਹੈ ਜੋ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਕਰਵਾਤਾ ਹੈ ਤੋ ਉਸਮੇਂ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਦਿਆ ਗਿਆ ਉਸਮੇਂ ਮੈਂ ਗਾਣੇ ਕੇ ਲੀ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੈਂ ਗਿਆ ਥਾ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੈਂ ਵੋ ਓਫੀਸ਼ਲੀ ਉਸਕੋ ਕਹਿ ਸਕਤੇ ਹੈ ਜੋ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਤੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਭਾਈ ਹੈ ਹਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਧੁਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ ਕੀ ਧੁਨ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁਝੇ ਸਿਖਾਈ ਵੋ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਸੁਣਾਤਾ ਹੂੰ ਜੋ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਉਨਕੋ ਸਭ ਇਹ ਗਜ਼ਲ ਸਭਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਲੋਕ ਬਹਿਰੇ ਯੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਸੱਚਾਈ ਵੀ ਹੈ ਲੋਕ ਬਹਿਰੇ ਬੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ੋ ਪੇ ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾਇਆ ਨਾ ਕਰੋ ਲੋਗ ਬਹਿਰੇ ਪੱਥਰੋਂ ਸੇ ਮੁਰਾਦੇ ਦਿਲ ਕੀ ਪੱਥਰੋਂ ਸੇ ਕਹਾਂ ਮਿਲਤੀ ਹੈ ਮੁਰਾਦੇ ਮਜ਼ਾਰੋਂ ਪੇ ਚਰਾਗੋਂ ਕੋ ਜਲਾਇਆ ਨਾ ਕਰੋ ਬੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ੋਂ ਪੇ ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾਇਆ ਨਾ ਕਰੋ ਯੇ ਪਹਿਲੀ ਗਜ਼ਲ ਮੈਨੇ ਗਾਈ ਥੀ ਔਰ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਇਸੀ ਪੇ ਭਗਵਾਨ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਸੇ ਮੈਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੀਤਾ ਤੋ ਯਹੀਂ ਸੇ ਬਸ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਥੀ ਕਿਆ ਆਪਕੋ ਐਸਾ ਲਗਤਾ ਹੈ ਜਿਤੇਂਦਰ ਜੀ ਕਿ ਗਜ਼ਲ ਗਾਇਕੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਪਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਆਜ ਜਹਾਂ ਪਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਤੋ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਪੁਸ਼ ਕੀ ਕਮੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਨਏ ਗਜ਼ਲ ਗਾਇਕ ਉਭਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਤੇ
जबकि बाकी सब जॉनर्स में हमें युवा कलाकार नजर आते हैं। जी देखिए, आपने देखा होगा जितने मैक्सिमम हमारे चैनल्स हैं उनमें आप क्लासिकल या गजल बहुत कम प्राइवेट चैनल्स पे, सिर्फ दूरदर्शन है या उसके सहयोगी चैनल है जहाँ पे ये चीज को प्रमोट किया जाता है। जी। सबसे बड़ा कारण तो ये है कि लोगों को सुनने को ही नहीं मिलेगा तो वो क्या उसको फॉलो करेंगे जो नए यंगस्टर्स हैं। दूसरा, जो हमारी कंपनीज हैं ऑडियो कंपनीज, उनमें आज वो स्थिति नहीं है 20 साल पहले की। पहले जैसे कोई भी, मैं नाम नहीं लेना चाहता, HMV थी जैसे थी, तो वो एक टैलेंट के आधार पे भी कलाकार को चांस देते थे, मौका देते थे कि ठीक है आप आइए हम सब आपका देखेंगे। तो आर्टिस्ट उसका काम सिर्फ रियाज करना था। आज है, आप रियाज भी करिए और पैसा भी जोड़िए, फिर आप जब अपना एल्बम रिलीज करेंगे तो आपको ही सब कुछ करना है। अगर वो आपकी अच्छी रहती है तो बाद में तो सब आ जाएंगे, लेकिन पहले उसको अपने आप को खुद प्रमोट करना पड़ता आर्टिस्ट को। तो जो एवेन्यूज हैं, जो उसमें उसको पैसा कमाने के जो तरीके हैं, वो बहुत कम है। नंबर दो चीज ये है कि गजल गाने वाले को आपको क्लासिकल भी सीखना है। बिल्कुल, क्लासिकल नहीं मालूम होगा तो आप गा ही नहीं सकते, आपको पता नहीं कि आप किस राग में गा रहे हैं, अच्छे से नहीं गा सकेंगे। तो पहले क्लासिकल सीखिए, उसके बाद लाइट म्यूजिक अगर आपको गाना है तो आपके गले की आवाज जो है अच्छी सुंदर आवाज होनी चाहिए, तो उसकी अलग ट्रेनिंग है वॉइस कल्चर के लिए। फिर आप, जैसे मैं हारमोनियम बजा रहा हूँ, तो ये आपका एक गजल सिंगर के लिए जरूरी है हारमोनियम बजाना। तो काफी मेहनत है, तो कई लोग उसको देख के नहीं कर पाते हैं। मेरा ये मानना है कि ये गजल मेरे केस में मुझे तो भगवान की तरफ से ही मिली है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मुझे कहीं इसको सीखना पड़ा। क्लासिकल मैंने जरूर सीखा है मेरे गुरु जी से, पंडित मणि प्रसाद जी से। अच्छा। और गजल का जो है मुझे भगवान की तरफ से ही, बाकी उस्ताद जो है उनको सुन सुन के, जगजीत सिंह जी, मेहदी हसन जी, बचपन में उनको सुनते रहते थे, तो उनसे काफी सीखने को मिला। जी, तो जो आपके आइडल्स रहे हैं, जी जी, उनका कोई अगर पसंदीदा आपका गाना हो तो हम सुन सकते हैं या कोई गजल? जी जी जरूर। जगजीत सिंह जी का सुना देता हूँ। जी, मशहूर गजल है, क्योंकि अब ये हो गया कि प्रोफेशनली जब आप गाने लगते हैं तो फिर लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप अपनी चीज सुनाएं। हाँ। उसी से आपकी पहचान बनती है। बिल्कुल। तो वो जरा कम हो जाता है दूसरी चीजों को गाना। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप, जिंदगी धूप, तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। हम जिसे गुनगुना नहीं सकते, हम जिसे गुनगुना नहीं सकते, हम जिसे गुनगुना नहीं सकते, वक्त ने ऐसा, वक्त ने ऐसा गीत क्यों गाया, जिंदगी धूप, जिंदगी धूप, तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल। बहुत सुंदर। आपने कई टीवी शोज के लिए, कमर्शियल्स के लिए जिंगल्स भी बनाए, तो जब आप म्यूजिक कंपोज करते हैं, खासतौर पर अगर हम किसी टेलीविजन शो की बात करें या जिंगल्स की बात करें, तो किन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना होता है? देखिए, कमर्शियल्स में तो बहुत कम समय के लिए आपको दिखाना, 10 सेकंड, 15 सेकंड,
तो उसकी जो पंच लाइन है उस पर हमें मेन करना पड़ता है. तो ये बिल्कुल अलग दुनिया है. हाँ. म्यूजिक कंपोज करना, उसको अरेंज करना, तो उसका मैंने अलग से इसके लिए ट्रेनिंग लिया. अच्छा. हमारे प्रोग्रामिंग होती है म्यूजिक में. बिल्कुल. दूसरा है जो आप सीरियल्स के म्यूजिक, मैंने कम से कम 150-200 आपके दूरदर्शन के सीरियल्स के म्यूजिक किए हैं. मुझे शौक है. तो वो अलग चीज है. जैसे उसका थीम होता है, जैसे शब्द लिरिक्स राइटर लिखते हैं, डायरेक्टर हमें समझाते हैं कि हमारा ये थीम है तो चीज आनी चाहिए. तो लेकिन उसके अलावा मेरा फर्स्ट लव गजल सिंगिंग ही है. मैं कभी भी ऐसा नहीं होने देता हूँ कि म्यूजिक डायरेक्टर उस पर हावी हो जाए. जी, तो अभी आप कौन से प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं? अभी मैं गजल एल्बम एक प्लान किया है मैंने, जिसमें मैं कोशिश करूंगा कि नए और पुराने दोनों तरह के कलाम हों. अच्छा. गालिब भी हों और नए भी हों. तो उसका बस 10-15 दिन में उसकी मैं रिकॉर्डिंग शायद मुंबई में करूंगा. उसकी तैयारी में ही मैं अभी लगा हूं. कुछ उस एल्बम से अगर आप सुना सकें. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी. तो नए शायरों में हमारे बहुत ही अच्छे शायर हैं दीक्षित दनकौरी जी, उनकी ये गजल मैं आपको सुनाता हूं. चांद तारे चांद तारे, ना ये रंग बू चाहिए. शायर कहता है ना चांद ना तारे ना रंग और ना खुशबू चाहिए. क्या चाहिए? चांद तारे ना ये रंग बू चाहिए, चांद तारे ना ये रंग बू चाहिए. कुछ खिलौने नहीं, कुछ खिलौने नहीं, कुछ खिलौने नहीं, मुझको तू चाहिए. चांद तारे ना ये रंग बू चाहिए. देखिए शेर आपको अच्छा लगेगा, और जो हमारे यंगस्टर सुन रहे हैं, वो मददगार हो या हो दुश्मन मेरा, वो मददगार हो या हो दुश्मन मेरा, वो मददगार हो या हो दुश्मन मेरा, वो मददगार हो, वो मददगार हो या हो दुश्मन मेरा. पीठ पीछे नहीं रूबरू चाहिए, पीठ पीछे नहीं रूबरू चाहिए. कुछ खिलौने नहीं मुझको तू चाहिए, चांद तारे ना ये रंग बू चाहिए, चांद तारे ना ये रंग बू चाहिए. क्या बात है जी. चलते चलते आप हमारे दर्शकों को और खास तौर पर जो युवा कलाकार आपको सुन रहे हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश मेरा सबसे यही है कि संगीत को गाइए आप, उसको सीखिए पहले. तो अगर आप सिंगर बनना चाहते हैं, किसी भी कला में कुछ भी करना चाहते हैं आप, तो गुरु जनों से सीखना पड़ता है उसको. उसके लिए आपको थोड़ा संयम रखना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी. और अगर आप नहीं कर सकते, नहीं गा सकते, तो कम से कम अच्छा संगीत सुनिए, ताकि कलाकारों को उसका सपोर्ट मिलता है. तो जाते जाते जो हमारे यंगस्टर्स हैं उनके लिए मैं गजल पेश करना चाहता हूँ. जैसे आप सुनते होंगे कि प्यार हो जाता है, तो उसकी गजल की पहली लाइन है, पहला मिसरा है कि दिल किसी पर फिदा हो तो क्या कीजिए. सुना रहा हूं. दिल किसी पर फिदा हो तो क्या कीजिए, दिल किसी पर फिदा हो तो क्या कीजिए. बस जरा उसके हक में दुआ कीजिए, दिल किसी पर फिदा हो तो क्या कीजिए.
वाह, बहुत खूब। तो बाकी ये गजल आप मेरी एल्बम में, आने वाली एल्बम में सुनिएगा। विदेंद्र जी, आप यहाँ आए, आपने हमसे बातचीत की और पूरा समा आज गुड इवनिंग इंडिया का आपने बांध दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर देखा जाए तो आज मौजूद सभी कलाओं का आधार आदि कलाएं हैं। आदिवासी संस्कृति और सभ्यता से रूबरू कराने के लिए हाल ही में मनाया गया आदि महोत्सव, आइए देखें उस पर ये विशेष रिपोर्ट। मिसेज मैरी कॉम हमारी ब्रांड एम्बेसडर बनी थी, तो मुझे याद है मैंने मंच में जब उनका स्वागत किया था तो ये कहा था कि नाउ वी ऑल्सो नीड टू मेक दोज पंचेज सो दैट वी कैन कॉम्पीट विथ हर। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने भी एक पंच लगाया है और बहुत अच्छे से लगाया है। हमारे सारे ट्राइबल्स भाइयों बहनों ने जो यहाँ पे अपनी अपनी दुकानें लगाई और अपना बिजनेस किया, आई वुड लाइक टू शेयर कि हमने जो GST कलेक्ट किया है वो 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा। एंड दिस इज अ पंच व्हाट वी वुड लाइक टू मेंशन। मणिपुर राज्य आभूषणों की भूमि है, प्राकृतिक संसाधन भंडार है, रंग बेरंगी फूलों वाला हमारा भारत का मणिनगर है, पवित्र जंगल है, नदियां हैं, पूरे देश में डांस मशहूर है। ऐसी हमारी मेरी कॉम मणिपुर राज्य से मोइरंग लखमाई गांव से हम और पूरे देश को गौरवान्वित किया है। मेरी कॉम द्वारा प्रेरित पंचतंत्र ये संग्रह ट्राइब्स इंडिया ने बाजार में पेश किया है। पंच इसमें शब्द जो है पंचतंत्र है, ये तो मेरी कॉम के पंचतंत्र की तरह मजबूत और असरदार ये कलेक्शन है जिसे जनजातीय श्रेष्ठ शिल्पकारों और महिलाओं द्वारा सृजित किया जाता है। सुश्री मैरी कॉम द्वारा इसे इसका बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकार का कुछ अच्छा मैं करना चाहती हूँ, मदद करना चाहती हूँ। जो मैन तो मेरा सपना तो गरीब लोगों को, बैकवर्ड विलेज लोगों को, जो कुछ डिवेलप अंदर डेवलपमेंट कुछ नहीं हुआ, इसलिए मैं सेक्रीफाइस करके मैं ये एक्सेप्ट किया। मैं पॉलिटिशियन बनने के लिए सपना में ये एक्सेप्ट नहीं किया हूँ, सच बोलूँगी तो। मैं बहुत अच्छा लगा जो सपना, वो बीच में बहुत ऑब्स्टिकल है, कुछ भी मुश्किल होने से मैं फाइट करूँगी और अपना देश को रोशन करना चाहती हूँ। आजीवना सिताए कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिले है कौन सी, ना वो समझ सके ना हम। आजीवना सिताए कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये कौन सी है मंजिले, ना वो समझ सके ना। ये जो ट्राइफेड है, मार्केटिंग कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये धीरे धीरे इनका कायाकल्प बढ़ते जा रहा है। हमारा 18 स्थान में अपना रीजनल ऑफिसेस है, वहाँ से हम लोग संचालित कर रहे हैं, लेकिन 103 से ज़्यादा हमारा आउटलेट है। मैं बोल सकता हूँ कि ऐसा कोई शहर नहीं है जहाँ हमारा आउटलेट नहीं है। तो ये जो एनकरेजिंग ट्रेंड है, आप लोग जो झलक दिया है, हम लोग को जो विश्वास दिया है, इसको हम लोग बनाए रखेंगे, इसको फिर आगे करेंगे।
और अब गुड इवनिंग इंडिया पे आपको मिलवाते हैं एक ऐसे आर्टिस्ट, एक ऐसे स्कल्प्टर से जो एक सेल्फ टॉट आर्टिस्ट है और एक ऐसे आर्टिस्ट हैं जो इस बात का उदाहरण है कि अगर मन में चाहो, आपने कुछ ठान लिया हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। एक ऐसे शख्स जिनका आर्ट उनकी सच्चाई, उनकी ईमानदारी को दिखाता है। जी हाँ, उनके कला का पर्याय है उनकी ऑनेस्टी। आइए स्टूडियो में स्वागत करते हैं विकास कालरा जी का। विकास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुड इवनिंग इंडिया में। आपसे ढेर सारी बातें करनी है, लेकिन उससे पहले दर्शकों के लिए आपका प्रोफाइल वीडियो। कला के साथ जो मोहब्बत का ये सिलसिला है, इसकी शुरुआत कब हुई और क्यों आपने कला को ही चुना? देखो, हम अपनी जिंदगी में हर चीज रोज जीते हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, एक सबका अपना अपना टेस्ट होता है। तो बहुत सी जो कुछ हम कहीं फंसे हुए थे, जैसे कि जो लोग रोज काम करते हैं पैसा कमाने के लिए, हर एक कोई काम करता है, हम अपना टाइम देते हैं और पैसा कमा के लेके आते हैं, हर एक का प्रोफेशन होता है। तो वो तो मैं कर ही रहा था, तो लेकिन अपने लिए कुछ हो नहीं पा रहा था, जिसमें हमारी अपनी ज़िंदगी है। हमारे पास सबसे बड़ा गिफ्ट एक है जो लाइफ है, उसके बड़ा गिफ्ट तो कोई है ही नहीं, तो उसके साथ तो हमें मजाक नहीं करना चाहिए। तो सोचते थे कुछ ऐसा करें जिसमें कि कुछ प्रोफेशन, तो जो काम पैसा कमाने का तो चल रहा है, तो कुछ ऐसा हो जाए जो अपने मन का भी होना शुरू हो जाए। तो बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी, तो इंसान कला की तरफ ही जाता है। अब और क्या करेगा, सबके पास एक फ्लेक्सिबल टाइम है अपने लिए काम करने के लिए। जैसे मैंने देखा था उस वक्त जब मैं काम कर रहा था 2005 एंड और 6 में, तो फोर फाइव आवर्स जो मेरे थे, 4-5 घंटे फ्लेक्सिबल थे, मेरे पास थे। तो मैंने कहा कुछ करते हैं अपना, तो करने के लिए सोचा। तो बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी, लिखना शुरू किया तो अपने को तो लिखने से बहुत दूर दूर का रास्ता था। गाना गाना शुरू किया तो नहीं आ सका मामला। तो आर्ट में ऐसी कुछ कलर से कुछ अट्रैक्शन था, कुछ खींच थी, खिंचाव लग रहा, मतलब कैनवस देख के पता ही था होता क्या कैनवस और कलर। तो थोड़ा सा कुछ किया, कुछ शुरू किया, एक दो हाथ पैर चलाए, जैसे कि आप कुछ, जैसे बच्चा कोई पहले पे और बिल्ड बैट बॉल क्रिकेट खेलने के लिए जाता, तो उसको अगर नहीं लगे 5-6 बॉलें और एक बॉल अगर लग जाए तो, और शॉट लग जाए तो उसमें अगर वो फील रह जाए, तो वो फील रह गया कुछ स्ट्रोक लगाते हुए। तो फिर मैंने कहा चलो इसमें तो कुछ मज़ा आ रहा है, इसको कुछ करते जाते हैं। तो करते चले गए तो फैमिली का सपोर्ट मिलता चला गया, दोस्तों का सपोर्ट मिलता चला गया, और धीरे धीरे एक एजुकेशन अपने आप ही एक खींच बढ़ती चली गई, एक लड़ाई नहीं, एक प्यार बढ़ता चला गया। जैसे आपको किसी से इश्क हो जाता है, तो आपका घर कहीं भी हो लेकिन उसकी गली के पास से आपका गुजरता है, तो वैसे ही ये कला एक इश्क हो गया। तो फिर क्या हो गया कि हम रोज़ ही वहीं से गुजरना शुरू कर दिया, तो फिर हमारी सांसों में भी हो गया, हमारे वो इश्क ही हो गया, कला तो इश्क हो गया, तो उसमें हम जीना शुरू कर दिया। तो जीते जीते आने लगा, पहले इसका एक आता तो था नहीं कुछ, आलू बनाना भी नहीं आता था, तो सब पता नहीं कैसे बन गई। कभी कभार मैं भी सोचता हूँ रात को कि कैसे बन जाती हैं, तो सवेरे उठ के फिर ब्लैंक होता हूँ, फिर कुछ शुरुआत होती है तो काम शुरू हो जाता है जी। तो कुछ आता रहा चलता रहा। तो एक कला, पेंटिंग सीखना, पेंटिंग बनाना एक प्रोसेस है, सिंपल हर चीज़ को सीखने का एक प्रोसेस है कि आपको ड्राइंग आनी चाहिए, ड्राइंग के बाद फिर उसमें कलर फीलिंग आनी चाहिए, फीलिंग का प्रोपोर्शन, पर्सपेक्टिव, सब चीज़ें आनी चाहिए। लेकिन आप तो एक सेल्फ टॉट आर्टिस्ट है, तो क्या इन सभी चीज़ों को सीखने में मुश्किल हुई? नहीं। कैसे? आपने कुछ चीज़ सोच ली है तो फिर उसमें क्या मुश्किल, आप फिर जो जितने भी हर्डल्स आएंगे, जितनी मुश्किल आएंगी, वो आपके लिए एक प्रयोग ही है, उसके आगे कुछ नहीं है। अब किसी ने जो आइंस्टाइन ने बल्ब बनाया, उसने 1000 जो अपने प्रयोग करे, तो वो क्या उसको मुश्किल थी, वो एक एक करते करते अपने बल्ब तक पहुंच रहा था, तो वो पिछला जो अगला था उसका एक्सपीरियंस था, वो उसको प्लस करते हुए आगे पहुंच रहा था। तो वैसे ही मैं प्लस करता हुआ जा रहा हूँ, मैं लर्नर और एक्सपेरिमेंट करना मेरा शौक है, तो मैं आखिरी सांस तक तो ये करता ही रहूँगा, सीखने की और एक्सपेरिमेंट करने की स्टेज। तो अगर मैं सही सलामत रहा, कोई क्लैप्स ना हुआ, कोई दिमाग में चोट वोट ना लगी, तो करता ही रहूँगा जो मैं कर रहा हूँ इस वक्त, क्योंकि मेरे को उसमें मज़ा आ रहा है,
और मैं इसमें करने के बाद मैं खाली हो जाता हूँ अपने आप के साथ, एम्प्टी, एक अलग तरीके का नशा है जो किसी शराब में नहीं है, जो कला बनाने का जो नशा है वो मैं, आप मेरे को एक शराबी कह सकते हो जो कला का शराबी है, मेरे को अपनी पेंटिंग बनाने में, पेंटिंग देखने में जो नशा आता है वो बहुत बढ़िया शराब है मेरे पास, उसका नशा अलग टाइप का है, मैं अलग दुनिया में रहता हूँ 24 घंटे। जी, कुछ देर पहले जब आपसे बात हो रही थी हाँ, तो आपने मुझे कहा कि पिछले कुछ सालों से हाँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ हाँ, कि मैं कुछ ना करूँ हाँ, तो ये कैसी कोशिश है? एक हमारी ये कोशिश नहीं है, ये बड़ी डिफिकल्ट चीज है, एक हमारे पास चीज है कि हम को कुछ जो जितना हमको याद है हमको सब अब भूलना है, क्योंकि हम सब कुछ एक्सपीरियंस कर चुके हैं, सब इमोशंस जो जितने भी हमने पुराना पास जिया है वो सब हमारे इमोशंस तो हम जी चुके हैं, अब वो इमोशन के बाद अगर वो मेमोरीज में आ जाते हैं तो फाइन है, तो लेकिन अब हमें उसको एक्सपीरियंस रखना है और हमें सब पीछे सारी मेमोरीज और इमोशन भूलना है, क्योंकि अब हमारे पास जो इस वक्त जो मैं आर्ट कर रहा हूँ, पेंटिंग बना रहा हूँ, तो उसमें बहुत इमोशनल काम कर रहा हूँ, जो मैं अभी देख रहा हूँ उसको बना रहा हूँ, जो मैं अभी जी रहा हूँ उसी के साथ काम कर रहा हूँ, तभी अगर मैं उसमें अगर मैं अपने आप के साथ प्रेजेंट में नहीं होऊंगा तो मेरी पेंटिंग कभी जिंदा नहीं रहेगी। अगर मैं कुछ पुराना बनाता रहूंगा तो वो पुरानी चीजें नई तरीके से, पुराना खाना हम कब तक खा सकते हैं, तो मैं पिछला सारा भूलना है और नया सारा कुछ जो आ रहा है उसको अलग तरीके से देखना है, जो उसमें कुछ ना आए लेकिन उसको सोचना है कि उसमें क्या आ रहा है, फ्रेश एक खूबसूरत चीज चाहिए, फ्रेश चाहिए। और ये चीज मेरे को जो सिखाई, जैसे पीछे मैं, ये मेरे पास कहाँ से आया आइडिया, पीछे मैंने पूरा यूरोप ट्रैवल किया, मेरे दोस्त बहुत अच्छे हैं, मेरा परिवार बहुत अच्छा है, मेरे जितने भी जो लोग मिलने वाले हैं सब बहुत अच्छे हैं, कोई मेरे को कुछ समझाता भी है, कोई डांट के भी समझाता है या धोखा दे के समझाता है, कैसे समझाता है, प्यार समझाता है, बिठा के समझाते हैं, तो मतलब मेरे को कभी आज तक ये नहीं लगा कि वो मेरे पर्सनैलिटी मेरे खिलाफ, वो मेरे से इश्क करते हैं धीरे धीरे, लोग मेरे से, लोग जो मेरी पेंटिंग से तो बहुत लोग इश्क करते हैं, तो अभी जो मेरे साथ जो लोग मेरे से इश्क कर रहे हैं, इश्क शब्द अच्छा रहेगा, वो मेरे को सिखा रहे हैं। अभी मेरे को यूरोप लेके गए, यूरोप लेके मेरा एक दोस्त गया, उसने मेरे घर से पासपोर्ट उठाया, सब कुछ उठाया, वीज़ा वीज़ा लगवाया, कहता चलो चलो, और वो मेरे को सब उसने पूरा टूर बनाया, मिली नई जगह थी यूरोप लेके गया, तो वहाँ पे स्पेन में हमने म्यूजियम में देखा, पेरिस में देखा, हर जगह म्यूजियम्स देखे, तो बैंकॉक का काम देखा, बैंकॉक से आपको तो सब जानते हैं, इतना डिप्रेशन में लाइफ, सुसाइड, लेकिन उनके कलर्स इतने पॉजिटिव क्यों हैं, ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में बहुत आया, तो हम दोनों बैठे ड्रिंक डिनर कर रहे थे, मैं और मेरा दोस्त, तो उसने कहा कि हमको अपनी लाइफ के अंदर एक नेगेटिव चीज़ें कभी देखनी नहीं चाहिए, हमको अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव चीज़ें देखनी चाहिए, जो हमारे पास पॉजिटिव है उसी को लेकर हमें आगे चलना चाहिए, तो वहाँ से जो मेरे को चीज़ मिला, तो मेरे को अगर मैं अपनी लाइफ देखूँ तो बहुत कुछ नेगेटिव होगा, लेकिन मैं सांस ले रहा हूँ इतनी अच्छी, इतना अच्छा खा रहा हूँ, इतना अच्छा पढ़ रहा हूँ, इतना अच्छा पहन रहा हूँ, मेरा नाम है, लोग मेरे को प्यार कर रहे हैं, तो पॉजिटिव तो उससे ज़्यादा हो रहा है, तो मेरे को अपनी पॉजिटिव चीज़ें देखनी चाहिए, और उसके कारण मेरा जनरली और स्ट्रांग होती चलेगी। एक मेरे दोस्त आए, उन्होंने कनाडा से मेरे को एक फोटो भेजी कि विकास यू पेंट लैंडस्केप, वो मेरे को सिखा रहे हैं ना सारे मेरे दोस्त, यू पेंट लैंडस्केप, तो लैंडस्केप में तेरे ना प्रोस्पेक्टिव है सब है, लेकिन मिरर इमेज नहीं है, तो उन्होंने मेरे को वहाँ से कुछ फोटोग्राफ्स भेजी मिरर इमेज की, तो मैंने उस पर काम करना शुरू किया, मेरे लिए एक नई चीज़ आई, उन्होंने मेरे को वहाँ से देखा, पूरी फैमिली थी, मेरे जो दोस्त हैं, मेरे कलेक्टर्स जो हैं, वो मेरे को प्यार करने लग जाते हैं, वो एक स्टेज पे आके फैमिली हो जाते हैं, तो मेरे साथ आके स्टूडियो में रहते हैं, मेरे से बातें करते हैं, मेरे को इंटरनेशनल विज़न समझाते हैं, और जो अभी एक मेरे दोस्त बने अमेरिका में, उन्होंने मेरे को कहा कि विकास आई लाइक योर वर्क, बट तुमको कुछ मैथमेटिक्स डालना चाहिए, मेरे तो इमोशन डाल के काम करता हूँ, और मैथमेटिक्स कहाँ से ला सकता कोई आदमी, तो उन्होंने मेरे को एक एग्जांपल दिया लियोनार्डो डा विंची का, उन्होंने 17 पेंटिंगें बनाई हैं जो कि मैथमेटिक्स के एक गोल्डन रेशो के बेस के ऊपर बनाई है, जो वर्ल्ड की सबसे बेस्ट पेंटिंग है, अभी एक पेंटिंग 3,000 करोड़ की बिकी है, और वहाँ से एक और नया विजन आया जिसको मैं थोड़ा समझाना चाहूँगा, कि 3,000 करोड़ का एक पेंटिंग बिका अबू धाबी ने खरीदा, लियोनार्डो डा विंची का लोग पेरिस के म्यूजियम में मोनालिसा पड़ा हुआ, अगर आज वो ऑक्शन में आता है तो पता नहीं कितने का बिकेगा, उसके तो फिगर्स लगाना, बिल्कुल, तो एक आर्ट एक तरीके की एक देश की वेल्थ है हाँ। तो हमारे उन्होंने मेरे को कहा कि इस पे मैथमेटिक्स पे काम करो, तो मैथमेटिक्स में मैंने काम करना शुरू किया, कुछ मैंने आगे प्रोसीड किया, आगे काम किया, मेरे को अच्छा लगा, अब मेरे साथ कुछ इमोशन के साथ कुछ मैथमेटिक्स भी आना है लग रहा है, तो चलो थोड़ा सा आ रहा है, लेकिन बट आई इन्जॉय दैट मैथमेटिक्स ऑल्सो, तो स्कूल में तो नहीं था लेकिन आज इस उम्र में आ रहा है तो अच्छा लग रहा है। तो जो विज़न उन्होंने मेरे को दिया कि जो इंटरनेशनल विज़न इस वक्त जो है कि हमारे देश के अंदर हमारी जो आर्ट है हमारे देश की वेल्थ होनी चाहिए, बिल्कुल, तो वो मेरे अंदर ट्रांसफॉर्म हुआ, क्योंकि मेरी वेल्थ मेरी आर्ट क्यों नहीं इस देश की
वेल्थ हो, और किसी की आर्ट तो है नहीं, क्योंकि इस वक्त म्यूजियम की कमी है. एक म्यूजियम है पेरिस के अंदर, लूवर म्यूजियम, उसके अंदर 3 लाख आर्ट वर्क है और अच्छी तरह दिखाए हुए हैं. तो मेरा एक ड्रीम बिल्डअप होना शुरू हुआ, उनके साथ बातें होती हैं, रात रात पर बातें होती हैं, उनसे मिलना होता है. अभी मेरे को बुला रहे हैं, कहते हैं तुम मेरे साथ 2 महीने आके यहाँ पे रहो, तो अलग तरीके से नेक्स्ट सीजन देखा जाएगा. जी विकास जी, अभी आपने बातचीत के दौरान कहा कि प्रेजेंट में जीना बहुत जरूरी है, लेकिन हर प्रेजेंट कभी ना कभी पास्ट हो जाता है, लेकिन फिर भी कुछ पेंटिंग्स, कुछ स्कल्पचर्स ऐसे हैं जो एवरग्रीन है, हमेशा ही कंटेम्प्ररी दिखते हैं. तो वो कौन सी बात है जिन्हें, जो उन्हें बाकी पेंटिंग से अलग करती हैं, जो शायद कभी पुराने पड़ जाते हैं, लेकिन वो कुछ ऐसे हैं जो कभी पुराने नहीं होते, हमेशा वर्तमान में रहते हैं. उस वक्त उस आर्टिस्ट ने अपना समय जिया है, प्रेजेंट का जिया है, उसने उसको जो जिया उसने उसको बनाया है और अपने मन से बनाया. जैसे पिकासो साहब ने जितना काम किया अपने मन से बनाया, राम किंकर बेस साहब के जितने भी स्कल्पचर थे, अभी इतना बड़ा एनजीएम में शो हुआ था, अपने मन से बनाया. सुजा साहब ने जो बनाया अपने मन से बनाया, एंडी रॉन ने जितने भी प्रिंट किए, इतने सुंदर सुंदर प्रिंट बनाया, उस वक्त को समाज रख के बनाया. तो अगर जब तक हम अपने पास्ट का बोझा लेते रहेंगे अपने कंधों के ऊपर, तो हमारे प्रेजेंट के सारे डिसीजन उस पास्ट से इन्फ्लुएंस होंगे. तो हमको पास्ट को सिर्फ एक इमोशन नहीं रखना, उसको एक एक्सपीरियंस रखना है कि हमारा वो लाइक्स को एक्सपीरियंस था. इमोशन हम उस वक्त जी लिए हैं, जैसे अभी मैं आपके साथ बैठा हूँ तो हम इमोशन जी लिए हैं, तो इसको मैं रोज कैसे ला सकता हूँ, कल तो नया आएगा ना. तो पास्ट सिर्फ एक एक्सपीरियंस रखना है और जो प्रेजेंट है उसको जीना है, इमोशनली जीना है. जब हम उसको इमोशनली जिएंगे तो जो हम काम करेंगे वो उस तरीके का फ्रेश आएगा. तो जब किसी काम को करते हैं, किसी एक पेंटिंग को बनाने की सोचते हैं, तो पहले से कोई ख्याल होता है कि आज ये बनाना है, या सिर्फ ब्रश उठाते हैं, सामने खाली कैनवस होता है और अपने आप कुछ बन जाता है? बहुत सारी चीजें जुड़ी होती हैं एक पेंटिंग बनाने के लिए, एक नए सब्जेक्ट पे या किसी भी नई एक पेंटिंग में जाने की. जैसे मैं तो आर्टिस्ट हूँ सेल्फ ड्रॉ, मैं 200-300 ड्राइंग करता हूँ अपने बोर्ड के ऊपर, फिर उसमें से कोई एक पेंटिंग निकल के आती है. शायद वो जो ड्राइंग करी होती है वो नहीं निकल के आती, उसके बाद कुछ एक नया वर्जन उस ड्राइंग का निकल के आता. आप आके मेरे दोस्त आते हैं, 200-300 ड्राइंग्स के बाद कोई एक आधा पेंटिंग निकल के आता है. तो जो उसमें जो पेंटिंग जो निकल के आता है उसमें जो इमोशन है आते हैं. और मैं तो चोर हूँ, मैं आपको सीधी बात बताऊं, मैं बहुत बड़ा चोर, डाकू सब कह सकते हो आप मेरे को. मैं लोगों की पेंटिंग में से कुछ ना कुछ चुरा लेता हूँ. बड़े बड़े आर्टिस्टों की पेंटिंगों में से मेरे को जो अच्छा लगता है मैं उसमें जो चुरा के अपनी पेंटिंग में डाल देता हूँ. तो उसमें मेरे को इमोशंस, मेरे इमोशन से कई बार उनकी, जैसे हम इतना सब कुछ देखते हैं तो हमारे पास एक अपनी लाइफ है, उसमें से हम कितना निकाल सकते हैं. अगर किसी और की लाइफ भी अगर हम जी लें तो उसका कितना मजा आ जाएगा, तो उसका मजा लेते हैं पूरा का पूरा. तो चोरी करना मजा आता है. ये तो बात हुई शुरुआत की, कि कैसे एक सब्जेक्ट पे आप काम करना शुरू करते हैं, लेकिन एक सवाल जो मेरे मन में हमेशा रहता है, और वो सिर्फ एक पेंटर के लिए, एक स्कल्प्टर के लिए नहीं, शायद एक म्यूजिशियन के लिए भी होता है, कैसे ये पता चलता है कि ये काम अब खत्म हो चुका है, कि इट्स कंप्लीट नाउ? ये देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसके पीछे ये हमारी लाइफ से भी जुड़ा है. हमको स्विच करना आना चाहिए. एंट्री तो सबके पास है किसी भी चीज के लिए, लेकिन उसमें एग्जिट का क्या है? पेंटिंग एक ऐसी चीज है, आप 2 साल तक, 5 साल तक, 100 साल तक एक ही कैनवस पे काम करते रहो, जब तक आप जिंदा उसी पे ब्रश पेलते रहो वो कैनवस खराब नहीं होगा. लेकिन एग्जिट का क्या है कि आपको एग्जिट पता होना चाहिए कि आपके इमोशंस, चाहे आप उसको नेक्स्ट कैनवस पे कंटिन्यू कर दो, उस पुराने कैनवस पे एक लेवल पे जाके छोड़ देना चाहिए एक टाइम फ्रेम के बाद. क्योंकि उसके बाद अगर ज्यादा उस पर करोगे तो जो पुराना वाला एक्सप्रेशन है वो भी खराब हो जाएगा और नया उस पर चढ़ेगा नहीं. तो आपको उसको दूसरा कैनवस ले लेना चाहिए. एक ही गाने को आप, अगर एक गाना है तो उसमें 5-6 फेसेस होते हैं, तो आप 5-6 पेंटिंगें बना दो एक के ऊपर, तो पहले से एंट्री से एग्जिट हो, फिर दूसरे में एंट्री से एग्जिट हो, तीसरे में एंट्री से एग्जिट हो. तो आप अपने काम को, चाहे 100 एक ही गाने के, एक ही सब्जेक्ट के ऊपर 100 पेंटिंग बना दो, लेकिन आप एग्जिट होते रहो. जैसे आपका, जैसे आप ऑफ, जैसे आप उसमें अपने जो आपने सोच डाली, एक पैराग्राफ लिख दिया, फिर दूसरा पैराग्राफ लिखने की जरूरत है. एंट्री एग्जिट बहुत इंपॉर्टेंट है. हम हो नहीं पाते हैं अगर हम शिफ्ट नहीं होंगे. जैसे इसके पीछे मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको, धीरू भाई अंबानी साहब का. अंबानी साहब ने कहा कि तुमको ना अपना ना विजन चेंज करना चाहिए हमेशा, अपना सर्कल चेंज करना चाहिए हमेशा. तो आप सर्कल कैसे चेंज करोगे अपना? जब तक आप अपनी पुरानी सोच चेंज नहीं करोगे तो नए सर्कल में नहीं एंटर करोगे. तो एंट्री एग्जिट आपको टाइम और इमोशन के हिसाब से करते रहना चाहिए. जी,
तो अगर आप अब अपने इस पूरे सफर में जितना कुछ भी आपने काम किया, जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो एज एन आर्टिस्ट आप में और आपके आर्ट में क्या चेंज देखते हैं? मैं मास्टर हूँ, उसमें कुछ मेरे स्ट्रोक्स मास्टर्स के साथ हैं। मेरे को जितने भी लोग मेरे काम खरीदते हैं वो मेरी काम खरीदते हैं, फिर किसी और के नहीं खरीदते हैं। जब एक बार कोई खरीदना शुरू करता है वो मेरे काम को इतना प्यार करते हैं। मेरा काम इंटरनेशनली मूव कर रहा है, हर जगह मेरे शोज़ हो रहे हैं, स्पेन में, बार्सिलोना में, दुबई में, न्यूयॉर्क में, हर जगह मेरे शोज़ हो रहे हैं। अब मेरा ड्रीम है कि वर्ल्ड के जितने भी टॉप म्यूजियम हैं वहाँ पर मेरी पेंटिंगें लगें, वो टिकट लेके खरीदें। नहीं तो अपना कोई म्यूजियम हो, 1-2 लाख स्क्वेयर फीट बड़ा, विकास कालरा उसके ऊपर नाम लिखा हो। अगर आपकी एक मास्टरपीस अगर हम कहें, अब तक जितना काम किया है उसमें सबसे फेवरेट आपका काम कौन सा होगा? सारी हैं। अभी मेरी इनकम्प्लीट पेंटिंग भी है तो वो भी मेरी फेवरेट है, क्योंकि मैं उसमें जिया हूँ। नहीं तो मैं बगैर मन के, बगैर उसके मैं कैनवस पे पहुँचता नहीं। चाहे साल लग जाए, घंटों लग जाए, मैं नहीं पहुँचूंगा जब तक मेरा मन नहीं करेगा। तो मेरी इनकम्प्लीट पेंटिंग भी मेरी फेवरेट पेंटिंग है जी। और चलते चलते अगर हमारे जो यंग आर्टिस्ट हैं उनके लिए एक मैसेज जल्दी से। मैं यंग आर्टिस्टों को तो कुछ कह नहीं सकता क्योंकि वो तो पता नहीं क्या कर रहे हैं, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि 15 सालों से कोई अच्छा आर्टिस्ट का कॉलेज ऑफ आर्ट से आया ही नहीं है बनके। सेल्फ टॉट तो आ गए हैं जैसे आपके सामने बैठे हैं। तो मैं अपनी लाइफ के ऊपर ही गा सकता हूँ कि जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। क्या बात है। जी चाहे जब हमको आवाज़ दो, हम हैं यहीं, हम थे यहाँ। क्या बात। धन्यवाद विकास जी, आप यहाँ आए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। और गुड इवनिंग इंडिया में अब इस खूबसूरत बातचीत के बाद आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं पंजाबी हेरिटेज फेस्टिवल, जिसका आयोजन हाल ही में दिल्ली में हुआ। जी हाँ, यहाँ पर दिखाई गई पंजाब की खूबसूरत संस्कृति, वहाँ की सभ्यता, वहाँ का गीत संगीत, खान पान। चलिए हम लेते हैं मजा रंग और तरंग पंजाबी कल्चर का।
दिल भले ही दुनिया के किसी भी कोने में धड़कते हों, कला इन दिलों को जोड़ने का काम करती है। जी हाँ, हाल ही में दिल्ली में एक ऐसे ही आयोजन, एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ जो आयोजित किया गया था नाद ओरा फाउंडेशन के द्वारा, जिन्होंने आयोजित किया इंटरनेशनल इंडो जैज कॉन्सर्ट, जहां पर एक ही मंच पर देखने को मिला भारतीय शास्त्रीय संगीत और पाश्चात्य शास्त्रीय संगीत यानी कि वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक का बेजोड़ संगम, जिसने लोगों के दिलों को लुभा लिया। इसलिए आए हैं इस कार्यक्रम में ताकि हम वो हिंदुस्तानी और जैज़ की दोनों परंपराएं साथ में बजाएं और एक तरह का संस्कृति मेलन है ये सब। तो मैं एक जैज़ और हिंदुस्तानी का स्टूडेंट है दोनों, तो मैं मतलब कई सालों से ये इस तरह का कार्यक्रम आयोजित करना चाह रहा हूँ। क्लासिकल म्यूजिक मतलब शास्त्रीय संगीत, जहाँ शास्त्र हो तो एक अनुशासन होता है। हम लोग अपने अनुशासन में रहकर कोशिश करेंगे दो देशों के संस्कृति के साथ, एक तरह से ये संस्कृति का मिलन है। और संस्कृति की जहां बात करेंगे तो संगीत और कला और यही ऐसी कला है जिससे किसी देश की संस्कृति का पहचान होता है। And we're here today to perform a concert of music that combines jazz music from America with Indian music from here in the country. And I'm very, very pleased to be here for this musical exchange and very much looking forward to putting together a show that is a bit of an experiment for on both sides of the equation. But nonetheless, we're very much looking forward to presenting something new, refreshing, and unusual to you this evening. गुड इवनिंग इंडिया का यह कारवां अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है और समय आ चुका है आपसे विदा लेने का। लेकिन उससे पहले
हमेशा की तरह याद दिला दें आपको हमारा ईमेल आईडी। हमारा ईमेल आईडी है goodeveningindia.dd@gmail.com। आप अपनी सभी प्रतिक्रियाएं, अपने सभी सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं और हम तक संदेश पहुंचा सकते हैं इस ईमेल आईडी पर हम पर लिखकर। जी हाँ, तो चलते चलते मैं आप सभी को विश करती हूँ अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस न्यू ईयर। उम्मीद करती हूँ कि आने वाला नया साल 2019 आप लोगों के लिए खुशियों की सौगात लेकर आएगा। आने वाला साल आप सभी के लिए मंगलमय होगा। नमस्कार।